आता हो। ये खोलना जरूरी है ताकि ये कैसे दोगले लोग हैं ये आपको फिर से याद आना चाहिए। आज मोदी को हटाने के नाम पर ये बेंजी किसको जाकर के मिली है? बेंजी आज किसके लिए वोट मांग रही है? भाई और बहनों, जो लोग बाबा साहब का अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, अब बेंजी के लिए माननीय और सम्माननीय हो गए। साथियों, याद करिए, जिन लोगों के लिए बहन जी अब वोट मांग रही है, उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को देखकर कहा था कि ये प्रतिमा कह रही है कि ये जमीन मेरी है, और अंगुली ऐसे रखिए तो आगे कहते हैं और सामने वाला प्लॉट भी मेरा है। ये कहा था कि नहीं कहा था? बाबा साहब का अंबेडकर का अपमान किया था नहीं किया था? साथियों, जो बाबा साहब अंबेडकर को भू माफिया कहते थे, उन्होंने दलितों की बस्तियां उजाड़ दी, दलितों पर फर्जी केस करवाए, दलितों के घर पर कब्जा कर लिया, उनके लिए बहन जी खुशी खुशी बाबा साहब के विरोधियों के लिए वोट मांग रही है। भाइयों बहनों, ये तब होता है जब आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाना होता है। ये तब होता है जब सिर्फ जात पात की राजनीति आपका आधार होता है। ये तब होता है जब आपको देश की राष्ट्र की चिंता नहीं होती। भाइयों और बहनों, जिनका बहुत बेसब्री से हम सभी लोगों का इंतजार था, माननीय नरेंद्र मोदी जी जनता का अभिवादन स्वागत कर देंगे। माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता का स्वागत अभिमान कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। बड़े आदर और सम्मान के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि आप भी अगर जहां कहीं जगह मिले, यहां पर दिल रखने की जगह नहीं है, लेकिन अगर कहीं जगह मिले बैठने की, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।